सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 2 नवंबर को सभी मृतकों का पर्व मनाती है। ये पर्व हमें हमारे प्रियजन जो मर चुके हैं उनके मूल्य को समझने में हमारी सहायता करता है। इस पर्व को सबसे पहले सन 998 में मनाया गया था और इसे संत ओडिलो ने स्थापित किया था। 13वीं शताब्दी से यह पर्व पूरी दुनिया में 2 नवंबर को मनाया जाने लगा। यह पर्व खास उन मृतकों के लिए है जो इस संसार से विदा ले चुके हैं और जो प्रभु के पास पहुंचना चाहते हैं पर पहुंच नहीं पाए हैं। यह पर्व एक खास समय है जो इस बात के लिए निर्धारित किया गया है कि हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना कर सकें कि वे सभी प्रभु के द्वारा ग्रहण की जाएं। और जब हम उन लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी उस प्रार्थना को सुनते हैं और ये प्रार्थना उन सभी आत्माओं के स्वर्गीय अनुभव को पाने में सहायक होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत से लोग मारे गए थे। तब संत पिता बेनेडिक्ट 15वें ने 10 अगस्त 1915 में पुरोहितों को ये आज्ञा दी कि आज के दिन उन्हें ये विशेष अधिकार है कि वे आज के दिन 3 मिसा बलिदान अर्पित कर सकते हैं। पहला, अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए। दूसरा, उन मृत आत्माओं के लिए जो शोधाग्नि में जल रही हैं, और तीसरा, संत पिता के सभी उद्देश्यों के लिए। आइए आज इस पर्व पर हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस संसार से विदा ले चुके हैं और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यातना में हैं, कि वे प्रभु की उपस्थिति एवं स्वर्गीय घर का अनुभव कर सकें।